नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टेन इंडिया में फिर से स्वागत है। आज लंबे अंतराल के बाद फिर से हमारे साथ जुड़े हैं आरएसएन सिंह सर। आरएसएन सिंह सर हैज बीन एन फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक्स रॉ ऑफिसर, बहुत सारी बुक्स ऑथर की हैं। एंड इनकी जो पकड़ है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, द मेन पॉइंट बिकॉज ऑफ हिज जॉब एंड प्रोफेशन, दी गेम इन द शैडोज, जिसको मैं बोलूंगी कि बैकग्राउंड में आपको जो चल रहा है उसके बारे में जो सर की पकड़ है, दैट्स वेरी वेरी रेयर। बहुत कम लोग इतनी डेप्थ में और इतनी अंदर की बातें समझ लेते हैं बिना कहे हुए भी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। जी सर, हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी सर, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से शुरू करूंगी। अरविंद केजरीवाल इज अ सीआईए एजेंट, वी हैव, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है, नहीं तो शायद उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते, बट बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट एविडेंसेस, ऐसे इनडायरेक्ट पॉइंट्स मिलते हैं जो इशारा करते हैं इस तरफ कि उनका सीआईए के साथ कुछ तो कनेक्शन है। जी सर, आप सभी, आपके दर्शकों का डायरेक्ट एविडेंस तो दुनिया में कहीं नहीं ऐसा मिलता है, क्योंकि जो इंटेजेंसीज होती हैं वो किसी कागज के तहत तो काम करती नहीं है। वो जब लोगों को रिक्रूट करती हैं, उनको पैसा देती हैं, तो उसका आपको, अगर आप अगर उसका दस्तावेज के पीछे ज्यादा जाएं तो आपको शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन केजरीवाल के संदर्भ में आपको बहुत कुछ मिलेगा, उस लिहाज से भी। तो केजरीवाल का अगर आप देखें, तो आपने मुझे कहा था कि केजरीवाल के बारे में हम चर्चा होगी, लेकिन आपसे मैंने कल भी ये बात कही थी, गुजारिश की थी कि इसका दायरा बढ़ाया जाए। दायरा इसलिए क्योंकि आपके दर्शक हैं, उनको जब तक कि बैकड्रॉप नहीं पता चलेगा, जब तक उनको ये नहीं मालूम होगा कि इंटेजेंसीज काम कैसे करती हैं और बदलते संदर्भ में कैसे कैसे इंटेजेंसीज के भी काम करने के तरीकों में बदलाव आता है, शायद वो पूरी बात को ना समझ पाए। तो इसलिए हम इसका संदर्भ थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। और मैं अपनी शुरुआत करता हूँ शीत युद्ध से, कोल्ड वॉर के समय, यानी कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के पहले से। तो पहले क्या होता था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, आपको मालूम है, पूरी दुनिया दो खेमे में बट गई। उस समय किसी, आप चाहे जितना मर्जी नॉन अलाइनमेंट का दावा ठोकें, लेकिन किसी न किसी कैंप से आपको जुड़ के रहना होता था। और दुनिया भर में जितने देश थे, उसके जो इंटेलिजेंसीज थे, सोवियत यूनियन का केजीबी और अमेरिका का सीआईए, वो दोनों ज्यादातर देशों में बहुत सक्रिय थे। कम्युनिस्ट कंट्रीज में उनका काम थोड़ा मुश्किल था सीआईए का, लेकिन हमारे यहाँ तो, क्योंकि हमने प्रजातंत्र की व्यवस्था हमने चुनी थी, इसलिए यहाँ काम करना बहुत आसान होता था। और सारी दुनिया में भी ऐसा ही था। हमारे यहाँ आपको मालूम है कि सीआईए बहुत पहले से यहाँ पे सक्रिय था। अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। पहले यूएस लाइब्रेरीज हुआ कर अमेरिकन लाइब्रेरीज हुआ करती थी, आपको मालूम है कि उनको बंद कर दिया गया था। ब्रिटेन के जाने के बाद भी आपको मालूम है कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरीज होती थी। एक संस्था आपको मालूम है, YMCA, उस संस्था का भी कुछ ऐसा ही कुछ काम था। लेकिन अगर आप बहुत प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिम चेंज, यानी कि यहाँ के जो शासक शासन है उसको बदलवाने का पहला काम केजीबी द्वारा दिया गया था, जब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई थी। वो हत्या, वो बिल्कुल हत्या थी। लाल बहादुर की शास्त्री पत्नी और उनके बच्चे भी इस बात को मानते हैं कि वो हत्या थी। तमाम तथ्य जोर जोर से उसी तरफ इशारा करते हैं। और वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि ताकि मिसेज इंदिरा गांधी को
देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, और वो बन गई। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो सीपीआई जो था, हालांकि सीपीआई में उस समय तक स्प्लिट आ चुकी थी, लेकिन जो सीपीआई थी वो हमेशा बड़े दृढ़ रूप से मिसेस गांधी के साथ थी। ये राजनीतिक पार्टनरशिप हम देखा हिंदुस्तान में देखा गया, और ये राजनीतिक पार्टनरशिप बहुत मजबूत रही, क्योंकि यहाँ की जो सीपीआई है वो सोवियत यूनियन के इशारे पे काम करती थी। सोवियत यूनियन का उस समय यह भी कहना था कि जो जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे पार्टीज हैं, उनका सॉवरेनिटी से कुछ ज्यादा उनका वास्ता नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा 71 की युद्ध हुआ, 71 के युद्ध में सोवियत यूनियन का जो उनकी यो, उनकी यो, उनका योगदान जो रहा या उनका रोल जो रहा, वो भी अपने अपने देश के हित के, अपने आइडियोलॉजी के इंटरेस्ट में वो काम कर रहे थे, लेकिन वो पूरे योगदान और मदद के लिए उन्होंने मिसेस गांधी से एक बहुत बड़ा एक दाम चुकाने को कहा, और वो दाम था कि भाई आप अपना संविधान बदल दीजिए। तो हमने उनके कहने पर भारत के प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल जो है ये एक जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है उस तरीके का था कि आपके का जो राष्ट्र का निर्माण होगा वो किन बिंदुओं को साथ लेकर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आपने इसमें सेक्युलर, सोवियत यूनियन के कहने पर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाल दिया, तो मेरे ख्याल से कि संविधान का जो सैंक्टिटी है वो उसी दिन खत्म हो गई थी। तो ये कहना कि संविधान हमारा बहुत ये है और एक पवित्र ग्रंथ है, ये सब बकवास है। मेरे अपनी ये राय है कि हिंदुस्तान में ये किसी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, असाधारण समय में ये बदलाव लाई गई थी, और अब जबकि हम आपातकालीन जो समय स्थिति थी, इमरजेंसी का एरा था, उसका अगर हम सब कुछ उससे अगर सब कुछ हमको अगर कोई सीख लेनी है, तो सबसे बड़ी हमारी हमारा योगदान यही होगा जो वर्तमान सरकार है, कि इस जो पुराना जो प्रीएम्बल था उसको दोबारा से स्थापित किया जाए, क्योंकि जो फाउंडिंग फादर्स थे भारतीय संविधान के, उस समय नई नई ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, वो हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा शायद सजग थे कि नया हिंदुस्तान कैसा बनेगा। उस समय पार्टियों के बीच में कांग्रेसी पार्टी थी ज्यादातर, उनके बीच में इतनी कटुता नहीं थी, पाकिस्तान भी तब तक बन चुका था। तो ऐसा नहीं है कि इस पे चर्चा नहीं हुई थी इन मुद्दों पर, कि समाजवाद, सोशलिस्ट और सेक्युलर पे लेके, आप अगर तमाम रिकॉर्ड्स देख लें, बड़ी व्यापक चर्चा हुई थी, और अंबेडकर साहब ने इन दोनों शब्दों को खारिज कर दिया था, और तथ्यों के आधार पे उन्होंने कहा कि हम अपने आने वाले जो जनरेशन है, जो पीढ़ी आएगी, हम उनको क्यों ऐसा कोई सिस्टम हम सुझाव दें जिससे वो बंधे रह जाए, हो सकता है उनमें इतनी काबिलियत होगी कि कोई इससे भी अच्छे सिस्टम का वो इजाद करे, सोशलिज्म की बात करें। और सेकुलरिज्म तो आप जानते हैं किसे, ये 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 पंथ निरपेक्ष देश है, ये धर्म निरपेक्ष है, जो भी ये चर्च का रोल, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो एक तो उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया मिसेस गांधी से, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे जो पूरी एकेडमिया है उस पर उनका पूरा, उन्होंने कहा कि इस पर हमें
खुली छूट होनी चाहिए, और जितने भी भारत के विश्वविद्यालय हैं और जो थिंक टैंक्स हैं उन सब पर ये सोवियत इंस्पायर्ड लेफ्टिस का उनका कब्जा हो गया। तो ये दोनों चीजें हुई। उस समय मैंने कहा कि जब शीत युद्ध था तो एक बाइनरी बाइनरी के रूप में काम होता था, जो इंड दुनिया दो खेमे बैठी हुई थे, तो केजीबी वर्सेस सीआईए था। मैडम गांधी के खुद के घर में एक समय आया था कि सीआईए वर्सेस केजीबी हो गया था, और शायद उसी सीआईए वर्सेस केजीबी के तहत संजय गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और आप तमाम किताबों में पढ़ेंगे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो कि लोगों को मालूम ना हो या कहीं ना कहीं लिखी गई ना हो। दोनों बेटों में यह भी था कि कोई एक एयरक्राफ्ट के लिए लॉबी कर रहे थे, अमेरिक वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के लिए, तो दूसरा सोवियत एयरक्राफ्ट के लिए लॉबी कर रहे थे। ये सब भी हुआ। और आपने कई जगह ये भी पढ़ा होगा कि जब सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी की बात हो रही थी तो मिसेस गांधी को किसी ने कहा, टीएन कॉल की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, कहा गया मिसेस गांधी को कि अगर ये शादी नहीं हुई तो भारत और सोवियत यूनियन के रिश्तों पे बड़ा आघात पहुंचेगा। शादी हो गई, सबको मालूम है कि जब इमरजेंसी हुआ तो मैडम ये विदेशी महिला कहाँ गई थी। और उसके बाद से ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर था। जब कोल्ड वॉर का दौर खत्म हुआ तो ये पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ऑर्डर है वो बाईपोलर से मल्टीपोलर होने लगी। तो जाहिर सी बात है कि जब मल्टीपोलर होगी तो कई तरह के उसमें और भी इंटेलिजेंसीज का रोल जो है वो बढ़ेगा। तो जो मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर बना उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे उनकी भी जो है प्रोलिफरेशन, उनका भी फैलाव बढ़ गया। जहां की किसी देश में दो इंटेलिजेंसीज मुख्य रूप से काम करती थी, वहां पांच छह इंटेलिजेंसीज काम करने लगे। तो उस समय भारत में भी कई एजेंसीज थी, उसमें केजीबी सीआईए केजीबी के कुछ काम में कमी आई, माओवादी चाइनीज इंटेलिजेंस चर्च आईएसआई इनकी गतिविधियां बढ़ गई। और वही दौर आप देखेंगे कि प्रॉक्सी वॉर जो है हिंदुस्तान में वो बढ़ गया। तो कोल्ड वॉर के राजीव गांधी हत्या तक ये वो बाइनरी वे में काम होता था, केजीबी वर्सेस सीआईए। राजीव गांधी की हत्या के बाद और भी ये तमाम जो चर्च है माओवादी है उनका ये हुआ। अब आपने देखा कि चर्च का रोल केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। जो पूरी श्रीलंका में आपने सिविल वॉर देखा वो सारा चर्च के द्वारा वो संचालित था। ये तमाम जो जाफना कार्डर्स थे वो क्रिश्चियन बन चुके थे, प्रभाकरण खुद क्रिश्चियन था। आपको मालूम है उसका जो सबसे बड़ा आइडियोलॉग था एंटन बालासिंघम, ये तमाम ये थे। मैं जाफना कार्डर्स की बात कर रहा हूँ। ट्रिंको मली कार्डर्स जो थे वो हिंदू थे। और पूरी लड़ाई ये ज्यादातर जो लड़ाई होती थी वो सिविल वॉर में, तो ये ट्रिंको मली ये हिंदू कार्डर से लड़ते थे।
ये बात जब करुणा को समझ में आ गई तो एलटीटी में स्प्लिट हुआ, और जब स्प्लिट हुआ तो वहां पर ये समस्या का समाधान हो पाया, लेकिन उसमें चर्च का बहुत बड़ा हाथ था। जब 14 दिनों में मैं चेन्नई में था तो थोड़ी बहुत समझ थी मुझे, मैं देख रहा था सारी चीजों को। चर्च थी तो डीएमके भी था उसके साथ। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये डीएमके का जो स्टालिन जो है उसने एक वक्तव्य दिया है कि मैं क्रिश्चियन हूं, शायद उसका बेटा, उसने ऐसे वक्तव्य दिया है वाई को। तो ये सारा का सारा गेम जो है वो चर्च के द्वारा संचालित था। अब चर्च के साथ सोनिया थी, इसमें माओवादी भी थे। आपको आपके दर्शकों को इस सुन के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि माओवाद जो है वो उसका बड़ा गहरा संबंध है चर्च के साथ। कई बार ऐसा लोगों का सोचना होता है कि नहीं ये चीन के द्वारा संचालित है। नहीं, जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उनका बड़ा वो गठजोड़ होता गया माओवादियों के साथ। और ऐसे भी आप दुनिया के, मतलब भारत के, दुनिया में जितने हमारे सब कॉन्टिनेंट में आप लेफ्टिस्ट देखो, खास करके भारत में, तो ये जो कम्युनिस्ट जो थे या माओवादी के जो पेट्रेंट्स हैं वो चाइना जाके उन्होंने आइडियोलॉजी की शिक्षा नहीं ली थी। ये सब नालायक उन्हीं नालायक यूनिवर्सिटीज में गए थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में। आप किसी से आप इनका देख लेना पूरा। इसीलिए ये नालायक अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोलते थे ये, ठीक है ना, चाहे वो ज्योति बासु हो या ये हो, ठीक है। तो माओवाद का आज भी अगर आप देखें तो एक शिकागो में है रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल मूवमेंट, वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी माओवादी पार्टियों का। और पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी समय ये बहुत सक्रिय थे, कुछ लेफ्टिस्ट जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, बिकॉज कार्ल मार्क्स हिमसेल्फ वॉज फ्रॉम यूरोप, ठीक है ना, ब्रिटेन में बहुत दिन रहा, वहां रहता था। तो ये गठजोड़ जो है, ये गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, उसको ये लोग लिवरेज करने लगे। अब आप चर्च और माओवादियों का आप ये देखो कि मैं आपको अब उदाहरण देता हूं, उड़ीसा में लक्ष्मी नंदा का स्वामी का जो मर्डर हुआ था वो चर्च के माओवादियों ने किया था, चर्च से जुड़े माओवादियों ने किया था। इसलिए क्योंकि वो एक जो कन्वर्जन हो रहा था उसके लिए वो एक बहुत बड़े अभिशाप थे, बहुत बाधा पहुंचा रहे थे, इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया। दारा सिंह ने ग्राहम स्टेन्स को इसीलिए मारा क्योंकि बड़ी, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी घिन आती है, एक घृणा एक बार चीज होती है और घिन दूसरी चीज होती है। तो मुझे घिन आती है कि एक देश जो कि जो कि पॉपुलेटेड बाई बाई यू नो थीव्स एंड स्काउंडल्स, आप देखे कौन है, हु आर दीज ऑस्ट्रेलियंस। ग्राहम स्टेन्स का बाप भी एक कॉन्विक्ट के रूप में आया था ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया में। ये लोग आके तुम इस यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी संस्कृति में तुम क्या करने आ रहे हो भाई? फिर आप कहते हैं कि दारा सिंह ने क्या किया? दारा सिंह तो नहीं जा रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में मजहब परिवर्तन करने के लिए, हालांकि वहां जरूरत है, वहां ग्राहम स्टेन्स लोग, एनीवे उसके साथ जो हुआ वो हुआ सो हुआ। उसके बाद आप देखें कि वो महिला जो थी, उसकी पत्नी जो थी ग्राहम स्टेन्स की, उसको इन्होंने पद्मश्री दिलवाया, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन को पद्मश्री, जो आदमी आपके देश
के लोगों की आत्माओं का व्यापार कर रहा हो, उस महिला को आपने पद्मश्री दिया, आपने इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि अगर आप इसकी पृष्ठभूमि ले लें केजरीवाल की, तो ये भी मदर टेरेसा के साथ इसने काम किया था। मेरा अपना यह मानना है कि ये जो नैरेटिव चलाई गई थी कि मदर टेरेसा ही एक सबसे दयालु महिला थी, समाज सेविका थी, और उनके बराबर का हिंदुस्तान में न कोई पहले पैदा हुआ, न उस समय था, न पैदा होगा, ये इस भारत की संस्कृति में एक तमाचा है। हिंदुस्तान की धरती पर समय समय पर उनसे कहीं ज्यादा महान महिलाएं जो कि इस देश की मिट्टी को जानती हैं, वो इससे ज्यादा समाज और लोक कल्याण का काम करती हैं, और बिना बिना किसी धर्म परिवर्तन या मजहब परिवर्तन के उद्देश्य से। ये महिला जो भी इसके शरण में आया वो बैप्टाइज्ड होके वो क्रिश्चियन ही मरा, आप इसका रिकॉर्ड ले लीजिएगा। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? तो अरविंद केजरीवाल ने वहां काम किया। अब अरविंद केजरीवाल का चर्च से क्या रिश्ता है? तो आपने इलेक्शन के पहले देख लिया था कि किस तरीके से जो दिल्ली में तमाम चर्चेस हैं उसमें बड़े हसीन तरीके से पथराव किया गया। मैं हसीन तरीका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संदेश भी चला जाए और नुकसान भी ना हो। और मेरे साथ टीवी डिबेट्स पे कुछ चर्च के नुमाइंदे थे, मैंने कहा कि शर्म करो, तुम क्या समझते हो कि हमें नहीं मालूम कि तुम क्या करवा रहे हो? ये तुम ही लोगों ने करवाया है। तो अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन में एक चर्च का एक बहुत बड़ा रोल एक था। आप अगर देखेंगे तो नेपाल का एक एक उदाहरण ले लें आप, और तब आपको मैं आप उसका अगर भारत से पैरेलल ड्रॉ करें तो आपको सारी बात समझ में आएगी। मैं किताब लिख रहा था नेपाल के ऊपर, में बाद में वो किताब छपी, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। तो मैंने पूरे नेपाल का बड़े व्यापक रूप से दौरा किया। उसी संदर्भ में एक दिन मैं वहां के सड़कों पे घूम रहा था तो मैंने देखा, और उस समय वो जो माओवादी ये थे काफी वो चरम सीमा पर थी उस समय, तो मैं सड़कों पे देखा एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने बड़ी तहकीकात की कि ये इनका क्या रोल है नेपाल में, इनका क्या इंटरेस्ट है। ब्रिटेन का तो मैं समझ सकता हूँ, मान लीजिए वहां गुरखा ट्रुप्स हैं, पुराने भी संबंध रहे हैं, कई पेंशनर्स हैं, कई सर्विंग पर्सनल हैं ब्रिटिश आर्मी के, ठीक है, उनका मैं समझ सकता हूँ, अमेरिकन का समझ सकते हो, लेकिन ये इनका क्या क्या स्टेक्स है, क्या ट्रेड है? इनका साहब ट्रेड रेड कुछ नहीं है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन के लिए ये है सारे, और ये सारे माओवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि माओवादियों की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेगी कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, जो एंटी कन्वर्जन लॉज है नेपाल में, उसको खत्म करेगी, और उसके बाद पूरा मैदान जो है उनके लिए खाली हो जाएगा कन्वर्जन के लिए, और वही हो रहा है। सबसे पहले जब ये माओवादी आए तो उन्होंने नेपाल को एक सेक्युलर रिपब्लिक डिक्लेयर किया, जबकि उसकी कोई डिमांड नहीं थी। और आप अगर बनावट देखें वहां की है तो वहां माइनॉरिटीज बहुत कम, मतलब हार्डली 4% मुसलमान है नेपाल में,
लेकिन अभी वहां पे जो उनकी मंशा थी वही हो रहा है, धड़ाधड़ कन्वर्जन हो रहा है वहां पे पूरे नेपाल में। तो इसमें आपने देखा किस तरीके से चर्च और माओवाद ये दोनों मिले हुए हैं। हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा वादा है ये कन्वर्जन में, और खास करके नेपाल की जो मोनार्की थी वो एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था। तो ये लोग जो संभावनाएं ढूंढते फिरते हैं कि किसने वहां के राजा को मारा, किंग बिरेंदर और उनके पूरे परिवार को, तो कृपया उसको चर्च और माओवादियों के उसको चश्मे से देखें। उसी तरीके से अगर आपको जानना है कि बीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा को छत्तीसगढ़ में किसने मारा, तो कृपया उसको चर्च, सोनिया गांधी और माओवादियों के चश्मे से देखें, फिर उसका विश्लेषण करें। क्योंकि इसका जो लेफ्टिनेंट जो था राज बब्बर, इस हत्या के बाद चुनाव में उसने कहा कि जितने ये माओवादी जो है ये क्रांतिकारी है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि था कि जिसने महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला के जिन लोगों ने हत्या की वो सब क्रांतिकारी थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये उसकी तो हिम्मत है नहीं कि वो ऐसे ही कह देता, उसको बोला गया था ये कहने के लिए। ठीक है, अब आपने ये चर्च का रोल आपने यहाँ पे देखा, अभी आप क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान में? एक विजी नजम नाम का जगह है केरला में, जहां पर एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, और ये बहुत भारत के लिए एक बहुत अहम है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा पोर्ट नहीं है जहां से बड़े बड़े जहाज जा सके। ठीक है, हमारे जहाजों की जो कैपेसिटी है वो कम है, वो जाते हैं फिर किसी बड़े पोर्ट पे, वहां बड़े जहाज में उसको लोड किया जाता है, जिसको ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो ये अभी दुबई में है, श्रीलंका में हमको जाना पड़ता है, ये चांगी उसमें सिंगापुर में जाना होता है, या मलेशिया, मलेशिया में होता है ये श्रीलंका में, ये दो चार जगह है, जिसके कारण बहुत सारे हमको प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा हमको देना होता है। अब आप क्या देखते हैं कि वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ये फादर लोग, ये चोंगे वाले, ये आ गए साहब जी कि मछुआरों का बड़ा नुकसान होगा, ये होगा। अब हम सबको मालूम है कि इनको थोड़े पैसे दे दो ये चर्च वालों को, ये कुछ भी देश के खिलाफ कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने 2012 में कुंडाकुलम प्रोजेक्ट देखा था, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, या वाइको, यही एलटीटी का चर्च चर्च का आदमी, कुंडाकुलम प्रोजेक्ट, एक उदय कुमार था ये दूसरा, ये थे, ये सारे लोग मिलके ये कर रहे थे। तो आप ये बताओ कि आपने कभी देखा है क्या कि भारत के कुछ साधु वो एक साथ एकत्रित हो गए और जाके उन्होंने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, आपने कभी देखा है? तो क्या ये सेक्युलरिज्म है इस कंट्री में? आप कोई अगर ये समझते हैं कि कभी किसी ने साधुओं का कोई समूह देखा हो जो कि जिसने कभी इस तरह का आंदोलन चलाया हो, भारत में तो हर दिन ऐसे आंदोलन चलाए जाते हैं। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि चर्च के पास, चर्च को बाहर से फंडिंग आती है, बाहर से फंडिंग आती होगी, आती भी है,
केजरीवाल को बहुत ज्यादा फंडिंग थी। मुझे याद है कि जिस पहला जब इसका इलेक्शन हुआ था तो हमारे कुछ मित्र थे, मीडिया में थे, तो मैंने उनको यहाँ अपने यहाँ गोल्फ क्लब में बुलाया था। उस समय वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए काम कर रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो एक संस्था थी, ये कई और ऐसे थे जो इसके इसके लिए आए हुए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और मुझे याद है कि उन्होंने हमसे पूछा कि इसकी कितनी सीटें आएंगी, तो मैंने कहा इसको 15 आएंगी। उन्होंने कहा कि आप देख लेना, इसकी 28 सीटें आएगी, न एक कम न एक ज्यादा। और उन्होंने कहा कि अगर आखिरी में मोदी साहब का कैंपेन नहीं हुआ होता तो इनको 42 सीटें आती, और बिल्कुल उनको 28 सीटें, उसको 28 सीटें। और ये तमाम, ये इसमें कई ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो चर्च के द्वारा संचालित थे, सब के सब यहाँ पे डेरा, यहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए थे। तो इन्होंने फिर वो, उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से फिर ये कांग्रेस के साथ मिलके इन्हों इसने ये क्या है, यही के एक होटल में पूरा इनका बंदोबस्त किया गया था। और ये केजरीवाल जो है, ये सोनिया चर्च से ज्यादा ये सोनिया का आदमी है। आप देख लें, ये जो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये उसमें था। ये सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा था कि इस आदमी को देखिए, दिल्ली से बाहर न जाए, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि है। और फिर आप याद करें कि 2014 में जब ये मोदी के खिलाफ जब ये चुनाव लड़ने गया था, उस समय कोई 22 या 23 एनजीओ सारे इसके सारे चर्च के द्वारा फंडेड एनजीओ इसके इसके लिए बनारस में पहुंचे हुए थे। जितने होटल्स थे बनारस के, कोई आधा दर्जन से ज्यादा होटल्स इनके लिए बुक्ड थे। वहां पे असफल रहा और जब मैं चर्च की बात कर रहा हूं कि फंडिंग की कोई बाहर से पैसा आता है, लेकिन ये जान लीजिए कि भारत में चर्च के पास प्राइम लैंड जितना है उतना बहुत कम संस्थाओं के पास है। क्योंकि जब भी ये अंग्रेज सिविल लाइंस बनाते थे, कहीं भी आप चले जाइए, बरेली, मेरठ, कहीं भी, दिल्ली, तो आप देखेंगे कि सिविल लाइंस में डीएम साहब का बंगला बनता था, उसका बंगला बनता था। तो जितनी जरूरत होती से उससे तिगुना चौगुना वो एक्वायर करते थे लैंड, और बाकी जो लैंड बच जाता था वो सारा चर्च को दे देते थे। तो आज अगर आप छोटे शहरों में कहीं भी जाओगे, बड़े शहरों में, तो ये चर्च जो है ये अब दुकानदारी करता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चलाता है। तो पैसे की कमी नहीं है, भारत के पैसे से ही ये भारत की आस्था को पर चोट कर रहे हैं, और भारत के ही पैसे से ये आत्माओं का व्यापार कर रहे हैं। ये हकीकत है। अब आप, मैं थोड़ा सा जब नेपाल के वो मैं बात कर रहा हूं, तो अब सबको मालूम है कि इसको जो अभी वहां पर आपको मालूम है, देउबा को 89 सीट्स मिला 275 वाले इसमें पार्लियामेंट में, लार्जेस्ट पार्टी थी। अचानक इसने उद्धव ठाकरे की तरह इसने इलेक्शन के बाद कहा कि नहीं, मैं तो ओली के साथ मिलके सरकार बनाऊं। सबको मालूम है कि ये चर्च और चाइना के कहने पर ये बना रहा है, और दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है। जब ओलंपिक्स में 2008 के ओलंपिक्स में
सोनिया गांधी जब उसके बाद जब एमओयू साइन कर मतलब कर रही थी अगस्त 2008 में, जस्ट 26/11 के पहले, ये भी नालायक वही पहुंचा हुआ था। ये सब सभी एक दूसरे से मतलब उसी समय वहां पहुंचे हुए थे। तो ये चर्च का एक बहुत बड़ा, यहाँ मुझे तो सुनने में यहां भी आया है कि इसके परिवार के कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, अगर ये खुद नहीं बना है तो। एक इसकी वो है हिल्सा यामी और उसका हस्बैंड, ये सब बहुत सारे इसके कार्डस जो है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन ये जिस तरीके से ये सरकार बनी, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इलेक्शन में आप लोगों के पास कोई वादा करके जाएं कि चुनाव के बाद हम सरकार बनाएंगे, अगर सरकार नहीं बना पाए तो भाई आप फिर विपक्ष में बैठिए, लेकिन आपने चुनाव लड़ा किसी के साथ, सरकार बना लिया उसके साथ जिसके खिलाफ आप लड़े हैं, तो ये तो लोगों के आत्माओं के साथ विश्वासघात है, ये पाप है, ये प्रजातंत्र का पाप है, ये प्रजातंत्र का अभिशाप है। और अगर ऐसी जमहूरियत, ऐसा प्रजातंत्र अगर हो, तो माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे प्रजातंत्र से मुझे डिक्टेटरशिप ज्यादा पसंद है। ये चोर उचक्कों का काम है। डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं कि वोट देते समय आदमी अपना अब उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो उम्मीदें हैं, उसकी जो मनोकामना है, वो सारा का सारा उस वोट में रहता है। और अगर आप ये कर रहे हैं, और यूं ही ये नहीं कर रहे हैं, ये शायद अपने आप ऐसी सरकारें नहीं बनी, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे यहां पे हो, ये बाहरी ताकतें बनवाती। महाराष्ट्र में आईएसआई दाऊद इब्राहिम ने किया था, यहाँ चर्च और चाइना करवा रहे हैं, चाइना चर्च, चाइना एंड चर्च, वही स्क्रिप्ट करते हैं। नेपाल में तो जो प्रो मोनार्की पार्टी थी उसने भी सपोर्ट किया, और मुझे मालूम है कि कितने, पिछले बार का मालूम है मुझे कितने पैसे गए थे उन लोग के पास, इस बार का मुझे नहीं है लेकिन हमको मालूम है। और इनके भी जो चुने हुए लोग आते हैं वो कहते हैं यार कल किसने देखा है, 5 साल के बाद देखेंगे, तब तक इतने पैसे बना लो कि इतने मुश्किल से तो यहां तक पहुंचे हैं। तो ये है जिस जिस प्रजातंत्र को आप कहते हैं ना कि यू नो द मार्च ऑफ डेमोक्रेसीज एंड फाइट फॉर डेमोक्रेसीज, इफ द डेमोक्रेसी वॉज टू बी ऑफ दिस कलर, आई एम सॉरी टू से, देन आई एंडोर्स डिक्टेटरशिप ओवर डेमोक्रेसी, आई रिएटरेट। अब आप का मैं ध्यान आकर्षित करता हूं केजरीवाल की तरफ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, आप जो मैं कहने जा रहा हूं कि आप 2011 का समय ले लीजिए, भारत में क्या हो रहा था, भारत में बाबा रामदेव ने ब्लैक मनी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, ये केजरीवाल उस आंदोलन में जाके उसने जगह बना ली, अपना घुस गया उसके अंदर, वो आंदोलन हुआ, उसके बाद आपको मालूम है कि उस आंदोलन को कितनी बेरहमी से खत्म किया गया, लेकिन हमारे देश के लोगों ने कुछ नहीं बोला। और फिर उसके बाद किस तरह से ये कांग्रेस के नेता, ऐसे लग रहा था इन कांग्रेस के नेताओं का, और खास करके वो जो दलाल है और वकील भी है और राजनीतिक भी है, शक्ल से दलाल दिखता है, मंत्री भी था उस समय, ये सारे के सारे इस तरीके से ये उसके पास गए थे कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। उसके बाद आपको मालूम है
किस तरीके से उन पर क्रैक डाउन हुआ और के रात को, और फिर क्या होता है कि इसको ए नौटंकी वाले को बैठा दिए वहां पे, या अन्ना हजारे को। आप देख, मैं नौटंकी वाला इसलिए कह रहा हूं कि उस समय 2G स्कैम, कौन सा आदर्श स्कैम, कितने स्कैम हो रहे थे। ये नौटंकीबाज, इसने एक बार भी ये नहीं कहा, आप पूरी रिकॉर्ड ले लो, इसने सोनिया गांधी के खिलाफ इसने एक शब्द नहीं कहा, जबकि सबको मालूम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्कैम सारे उस समय, आदर्श स्कैम, मतलब कहीं ना कहीं तो इसके तार कितने जुड़े हुए थे। इस नालायक ने एक बार भी ये नहीं कहा, और मुझे इस बात का दुख है कि इस नौटंकीबाज के को थोड़ी देर के लिए लोगों ने इतना मतलब इसकी महत्व दिया इसको। मैं उस समय जब मेरी कोई नहीं सुन रहा था, तो मैं डेली बुलेटिन डालना शुरू किया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था, एक कहते हैं ना, जिसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा परसेप्टरी पार्स ईश्वर ने मुझे वो बहुत दी है। मेरे अपने घर में लोग, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ थे कि क्या मैं बकवास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन आज वही कहते कि नहीं, बिल्कुल आप सही कहते थे। तो इस आदमी ने वो जो ब्लैक मनी वाला आंदोलन जो था रामदेव का, उसने इसको किल कर दिया। और मैडम को, ये विदेशी महिला को टाइम दिया कि तुम बाहर जाओ और अपना इस दौरान में अपना ब्लैक मनी जो भी है पूरा अपना, उसको इधर उधर अपना जहां भी ठिकाने पहुंचाना है पहुंचा दो। आप देखोगे कि जब तक ये बैठा हुआ था अन्ना हजारे, ये विदेशी महिला देश में नहीं थी उस समय, और ना इसने, फिर मैं कहता हूं कि एक शब्द नहीं इसके खिलाफ ये किया। लेकिन उससे ज्यादा, अब आप इसका अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखो, आप इसका अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ये है कि जब ये सब हो रहा था तो ये हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था, बहुत जगह नौटंकी हो रही थी, इस तरह की नौटंकी, तहरीर स्क्वायर इजिप्ट में, ठीक है ना, जिसको अरब अरब स्प्रिंग कहते हैं, अरब स्प्रिंग में हुआ, ट्यूनिशिया में हुआ, लीबिया में हुआ, बहरेन में हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, एक बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, उसी वही 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 तरीका, मतलब इन दो, इन सबों में कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी, वो इंडिया वाले में भी कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी इसमें। तो सीरिया में जब हुआ, तब रशियंस और चाइना ने इसको वीटो किया। अब ये 2011 में जो ये पूरे आंदोलन जो चले थे, जिसका भारत भी एक हिस्सा बाद में बना, ये सब का सब ये था, ये जो आपका ऑयल, ये पूरा ऑयल का जो पॉलिटिक्स है, ऑयल ऑयल की जो सप्लाई की जो जियो पॉलिटिक्स है, उसको बिल्कुल बदलना था। और इसके उसमें ये था कि किसी तरीके से रशिया, जो यूरोप का डिपेंडेंस है रशिया पे ऑयल के लिए, उसको खत्म किया जाए, और यहां से लेक पाइपलाइन ले जाया जाए, एक तो सीरिया के थ्रू और एक लीबिया के थ्रू, कि बिल्कुल रशिया से बिल्कुल डिपेंडेंस खत्म हो जाए। तो सीरिया में अभी कहते हैं कि वहां जो छोटा सा कोस्ट है उसका, मेडिटेरेनियन में, वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल और गैस है, एक तो वो है, दूसरा वहां से पाइपलाइन ले जाने का, और एक ये लीबिया, लीबिया से ये लेके, ठीक है, ट्यूनिशिया लीबिया, इस तरीके से एक इटालियन फर्म ने ऑलरेडी साइन कर लिया था इससे, लीबिया से गैस पाइपलाइन। तो 2011 की जो आप जंग देख रहे हैं, ये सारे, ये अरब स्प्रिंग और ये, और ये सब ऑयल से ये ज्यादा, ये प्रेरित थी ये। और आज
आप जो यूक्रेन में देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया में, वो भी इसी बात से प्रेरित है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध क्या है, इसको बड़े सिंपल तरीके से इसको समझ लें। युद्ध बस इसीलिए है कि अमेरिका यूरोप को कहता है कि तुम रशिया से तेल नहीं लोगे, और रशिया यूएस को कहता है कि तुम कौन होने वाले, हम ही तेल देंगे यूरोप को। तो जो 2011 में जो जियो पॉलिटिक्स थी, जिसके तहत ये सब हो रहा था, जिसके तहत ये अन्ना हजारे बैठा हुआ था केजरीवाल के कहने पे, वो वही चीज अभी ये युद्ध का रूप ले लिया है इसमें। तो ये है तो 2011 की बात। अब आप देखो 2014 की बात, ये सरकार में था 2014 में, सरकार में होते हुए ये आदमी जाकर वो रेल भवन के, इसको जंतर मंतर का स्थान दिया गया था, वहां पर बैठा बैठ गया था ये। और ये क्या कहता है, ये लोगों को कह रहा था हमारे पास आ जाओ, 4 लाख आ जाओ, 10 लाख आ जाओ, शिंदे कहाँ बैठेगा उसको मैं देखूंगा, राष्ट्रपति भवन को है कि इसका, मैं इसको नहीं मानता, ये वो करके ये सारी चीजें ये बोल रहा था। ये बिल्कुल वही करना करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसी समय यूक्रेन में हो रहा था। वहां भी इसी तरह लोग इकट्ठे हुए थे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम पे, और यकोनोविच वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन से प्रेसिडेंट बना था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे, यकोनोविच के इलेक्शन को उन्होंने बिल्कुल फेयर, फ्री एंड फेयर कहा था। तो इसने एज चीफ मिनिस्टर ये वही करने की कोशिश कर रहा था, ये जो यूक्रेन में हुआ था। तो मैंने 2011 को आपका बता दिया, और फिर आपका 2014 का बता दिया। वो किसी कारण से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आखिरी में आर्मी चीफ से प्रणब मुखर्जी के पास गया, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि तेरे को उठा के यहां से फेंक देंगे। ये धरना दे रहा था, ये रजाई ओढ़ के वहां सोता था, वहां पे चाय और वो मैट्रेस और इसके ये, और अपनी गंदी शक्ल लेके सुबह सुबह पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहा था। लोग वहां 26 जनवरी का परेड होता था और हमको पूरे हिंदुस्तान की इसकी गंदी शक्ल देखने को मिलती थी। तो आप इसका पैरेलल देखिए, 2011 का आप देखिए क्या जियोपॉलिटिकल वो था। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं कि ये क्या कोई इंडिजिनस था ये? और ये रामदेव के वो ब्लैक मनी वाला एजिटेशन को रुकवाने के पीछे एक ही ये था कि इनको मालूम था, तमाम ताकतें थी कि भारत में का स्वदेशीकरण नहीं हो। तो ये आपने इसका ये देख लिया। अब आप इसकी पृष्ठभूमि में चले जाओ, 2001 2002 में स्टडी लीव पे था साहब, हम लोग भी फौज में रहे हैं, जितने सरकारी लोग हैं वो स्टडी लीव में कर, और स्टडी लीव के बाद एक ये होता है कि आपने मैंडेटरी 3 साल, अपने 4 साल नौकरी, क्योंकि जो आपने सरकार के खर्चे पे जो आपने विद्या ग्रहण किया है वो तो सरकार के काम में आना चाहिए। ये आदमी उसी समय ये आना बंद कर देता है इसको, और अपनी सरकार भी कितनी नालायक, अपना सिस्टम कितना नालायक, किसके खिलाफ कोई बस दो एक दो एक्सप्लेनेशन इसको भेज देता है। फिर ये सिसोदिया से मिलके ये कोई एनजीओ खोलता है परिवर्तन, वो परिवर्तन को इसको पैसे मिलते हैं उससे, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलते हैं। इसका मैगासेसे अवार्ड भी जो है, मैगासेसे अवार्ड, अगर आपको मैंने बताया था अपने आर्टिकल जो मैं लिखा आपके दर्शकों को भी, कि ये मेरी उस समय की एक आर्टिकल लिखे हुए कहने केजरीवाल इंडिया बिगेस्ट स्कैम, वो चले जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में दिया है कि CIA और मैगासेसे अवार्ड का क्या कनेक्शन है। अब मत मुझे मुझे ये मत
ज्ञान दीजिएगा कि उनको भी मिला था और वो बहुत बड़े आदमी थे, उनको भी मिला था, मिला होगा, वो आपके नजर में बड़े आदमी होंगे, लेकिन इंट एजेंसी पे कौन लोग बिक जाते हैं, वो आप, वो सब बड़े ही आदमी होते हैं, ठीक है ना। भारत के पार्टीशन में भी बड़े आदमियों का और हनी ट्रैप का बहुत बड़ा रोल था, वो सब बड़े आदमी थे, ठीक है ना। और नोआखाली के दौरान थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्या हो रहा है, तो सारे ये बड़े आदमी, वो चलिए वो आपके, आपको अगर खुशी देती है तो आप उन बड़े आदमी का अनुयायी रहिए, लेकिन मैं आपको एक इंटेलिजेंस उसके व्यू पॉइंट से मैं आपको बातें बता रहा हूं। अब उसके बाद से क्या होता है कि इसको आप देखिए, तो CIA, CIA के नीचे है रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन के नीचे है ये मागस लिगासी अवार्ड, और ये सारा, ये फोर्ड फाउंडेशन के नीचे तमाम स्कीम्स हैं। फोर्ड फाउंडेशन के बेनिफिशियरीज कौन कौन को रहे, योगेंद्र यादव, CSDS क्या है, जो भी सेंटर फॉर डेवलपिंग से, वो क्या अभय दुबे, प्रोफेसर आनंद कुमार, ये सब फोर्ड फाउंडेशन के बेनिफिशियरीज रह चुके हैं। और अगर आपको नहीं है तो मेरी जो आर्टिकल है वहां CIA डायरेक्टर डलेस, वो बहुत लंबे वक्त तक, वो डलेस जो था वो CIA का चीफ था, उसमें उसकी पूरी लेटर है कि ये अवार्ड का एक्चुअली एम क्या है, वो सारा कुछ दिया गया। जिसने साइटेशन लिखा था इसका, ये केजरीवाल के लिए, उसका नाम था स्टीवन सॉलिंग, वो इसके फोर्ड फाउंडेशन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में। उसने इस बात की पुष्टि की कि केजरीवाल को हमने क्यों दिया था। और आप ये देखिए बाद में ये केजरीवाल ने एक कबीर फाउंडेशन उसने स्थापित की, ठीक है ना, 2005 में, और इस समय भी ये सर्विस में था। और ये इसको इतने, ये परिवर्तन को, इसका जो 2002 में परिवर्तन जो एनजीओ था, $80,000 इसको पैसा दिया था उस समय। $80,000 इस आदमी के 15 साल की तनख्वाह थी। और ये दुनिया को झूठ बोल कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने नौकरी त्याग कर दिया, इसको पैसे तो मिल ही रहे थे। उसके बाद से एक महिला इसके पास आती है जो इसका कबीर फाउंडेशन था, उसका नाम था श्रीमित ली। वो महिला तहरीर स्क्वायर में उसका एक बहुत बड़ा रोल था, वो इसी के स्पेशलाइजेशन करती थी, ये फ्लैश मॉब्स में और मोहल्ला कमेटी में, उसका भी आपको फोटो मिल जाएगा है श्रीमित ली के, इसके साथ उसको CIA ने इसको अटैच किया था या अन्ना के आंदोलन को चलाने के लिए। तो आप जितनी चीजें मैं कह रहा हूं या तो मेरी आर्टिकल में देख लीजिए, आपको गूगल में मिल जाएगा कि ये श्रीमित ली कौन है। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे कि ये सब चर्च, माओवादी और ये विदेशी महिला, CIA, ये किस तरह से एक एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि जब कोल्ड वॉर के बाद मल्टीपल एजेंसी, पहले मैंने कहा आपको कि बाइनरी बाइनरी होती थी KGB वर्सेस, जब कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के बाद जब मल्टीपल एजेंसीज यहाँ पे एक्टिव हो गई तो बार्गेनिंग भी होने लगा, और उसी बार्गेनिंग के तहत ये हुआ कि CIA ने इसको कहा कि सुनो, प्रधानमंत्री तो हमारा होगा, प्रधानमंत्री सरदार जी होंगे, सरदार जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है क्योंकि उन्हें अमेरिका की बड़ी सेवा की है, वर्ल्ड बैंक के जरिए और IMF के जरिए। पूरी दुनिया को मालूम है कि वर्ल्ड बैंक और IMF किसका है। तो सरदार जी ने बहुत, मतलब बड़ी निष्ठा से अमेरिका की सेवा की है, अब पूरी जिंदगी। तो विदेशी महिला को कहा गया कि तुमको जो करना है, ये इनके आपस में बार्गेनिंग हुई, ये है लेफ्टिस्ट,
इसका पिता भी जी बहुत इसका पिताजी भी बहुत बड़े वो थे, माओवादी थे, आपको शायद नहीं मालूम होगा। इटली में आज भी वहां पर जो लेफ्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, 6-7 बड़े जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है लेफ्ट के इटली में। तो ये विदेशी महिला के पिताजी जो थे, ये मुसोलिनी के आर्मी में ये सार्जेंट थे, और वहां से जब ये आए रशिया में, ये POW इनको ये था। तो रशियंस कभी दुर्व्यवहार नहीं करते थे POWs के साथ, वो उनका आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करते थे। अब ये महाशय इतने मतलब तत्पर थे, इतनी जल्दी सब कुछ आइडियोलॉजिकली ये इम्ब्यूड हो गए कि तुरंत आए और उन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट आके शुरू कर दिया यहाँ पे हिंदुस्तान। तो ये चर्च का आपने देखा, इनके बेटे भी अभी जब इन्होंने कन्याकुमारी में थे जहां से यात्रा शुरू की, साउथ इंडिया इसीलिए चुना भी कि क्योंकि वहां पर चर्च का काफी बोलबाला है। तो एक बेहुदा सा आदमी जिसका नाम है फादर जॉर्ज पोनियन, उस समय नवरात्रि चल रहे थे, और ये जॉर्ज पोनियन इसको बोल रहा है ये राहुल गांधी को कि ये शक्ति वक्ति सब बेकार है, असली असली भगवान जो है वो जीसस है, और ये आदमी चुपचाप सुन रहा है। आप देख लीजिए, तमाम न्यूज चैनल्स पे चलाया गया था। तो शायद इसकी मनसाही वही रही हो। नवरात्रों के दिन वो आदमी इस तरह की टिप्पणी दे रहा था हिंदू देवी देवताओं के बारे में। तो देखिए, ये जो युद्ध जो है हिंदुस्तान में, ये महज ये पार्टियों का युद्ध नहीं है, ये संस्कृतियों का युद्ध है। और संस्कृतियों का युद्ध इसलिए लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं क्योंकि भारत एक बहुत ही संपन्न, समृद्ध और संपन्न देश है, हमेशा रहा है। 1901 और 1947 के बीच में भारत की लूट की गाथा अगर आप सुने तो, कई राइटर्स का आप सुनेंगे, एक रमेश चंद्र दत्त है, उनकी एक किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। रमेश दत्त वॉज द सेकेंड इंडियन टू बी ICS ऑफिसर, वो पढ़ लीजिएगा वो किताब आप, ये इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय अंडर ब्रिटिश रूल बाय RC दत्त, एन एक्स ICS ऑफिसर। उन पर भारत की सरकार ने एक और उनको एक डाक टिकट भी जारी की थी, और उनको अगर भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद का बापू कहा जाए, वो बापू ये जो आपके दूसरे बापू हैं उससे वो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था वो, तो वो आर्थिक नेशनलिज्म का अगर बापू कहे वो बापू कहा जाए तो ये पॉलिटिकल बापू से वो कहीं महान आदमी था। तो आप उसके पढ़ लें। लेकिन 1947 के बाद अभी तक आपने देख लीजिए साहब, इस 70-75 सालों में हमने कितना कितना कुछ पाया, कितना हासिल किया। फूड में हम सेल्फ सफिशिएंट है, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन महज महज 70-75 साल में। हमने ये स्टेटस मैंने हासिल किया, ये इससे यही आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज मैं अपने गांव में जाता हूं, मैं कोई ऐसा घर नहीं देखता हूं जहां पर बिजली ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, पंखा ना हो, टेलीविजन ना हो। मैं खेती भी करता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये मैं तथ्य दे रहा हूं। आप कस्बों की आप दुकानें चले जाइए, अगर किसी जगह की आप समृद्धि अगर आंकना चाहते हैं तो आप वहां की दुकानों में जो सामान बिक रहा है उससे आप अंदाजा ले सकते हैं। अगर किसी दुकान में, किसी कस्बे में अगर रेफ्रिजरेटर 10 पड़े हुए हैं तो इसका मतलब डिमांड है, तभी तो पड़े हुए हैं वहां पे।
इसलिए ये समृद्धि को, ये जितने भूखे नंगे देश जो है, ये विदेशी महिला एक आपके सो इज द वॉइस क्लियर? सर आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली यहाँ पर बहुत तेज थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया, शायद इस वजह से नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया है अचानक से। ओके, जब तक सर आ रहे हैं, जब तक सर की आवाज नहीं आ रही है, तब तक मैं कुछ एक आपको फोटोग्राफ दिखा देती हूँ जो मैंने इकट्ठा किया था इस शो के लिए, जिनकी बात करते हैं एविडेंसेस की। ये है, डू यू नो हु दिस लेडी इज, हु स्टैंडिंग है, जो रेड साड़ी में खड़ी हुई है मैडम, शी इन द फ्रंट ऑफ आप गुजरात प्रेसिडेंट गोपाल इटालिया, शी इज मदर ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर ऑन टाइम्स मैगजीन, राइट? लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा पढ़ते जाइएगा। पूरा का पूरा गैंग एक जगह खड़ा हो जाता है एंड द मीडिया इज नॉट इवन टेकिंग नोट ऑफ। ये एक था, कैन यू हियर मी हेलो? पीटर? ओके, हाँ अभी अभी हाँ अभी सर आ गई आपकी आवाज, जी अभी आ गई है, हाँ हाँ जी सर वी कैन हियर यू, सर आवाज आ रही है आपकी पूरी? नहीं, मैंने मैंने आखिरी में यही कहा कि हेलो हेलो सर आई कैन हियर यू, हेलो आई कैन हियर यू, मैंने म्यूट किया हुआ है अपनी तरफ, हाँ जी नहीं, मैं कह रहा था कि मैंने आखिरी में यही कहा कि देखिए, ये जितने ये चाहे विदेशी महिला हो या उस तरह के लोग हो, चाहे मिशनरीज हो, ये सब, ये चाहे चर्च हो, ये सब भूखे नंगे देशों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये आप समृद्ध और इतना समृद्ध और संपन्न है कि ये आपके ये 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 लूट जो है, जो अंग्रेजों के समय से हो रहा है, इस लूट को जारी रखना चाहते हैं। और मैंने भारत की संपन्नता और सभ्यता, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आपकी आवाज, पूरी आ रही है सर? हेलो जी आई कैन हियर यू सर, सर आवाज आ रही है आपकी? सिंह सर आपकी आवाज आ रही है? हेलो सिंह सर, हाँ जी सर आ रही है आपकी आवाज, वी कैन हियर यू, जी आ रही है सर आवाज, स्क्रीन भी आपका ठीक हो हाँ गया है? हाँ
हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि आप इस देश का संपन्नता इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1901 और 1947 के बीच में पर कैपिटा इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा था, इनफैक्ट इट हैड गॉन डाउन। लेकिन आप महज 75 सालों में देखो देखो कि हम कहाँ से कहाँ, हम वेल्थ को हमने रीजेनरेट कर दिया है। आज हमारा देश खाद्य सुरक्षा के नजरिए से दुनिया में सबसे अव्वल स्थान रखता है। हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। मैंने कहा कि मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मैं खेती भी करता हूं। आज हमारे गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जहां की मोटरसाइकिल ना हो, जहां पर टेलीविजन ना हो, जहां पे पंखा ना हो, तमाम सुविधाएं हैं। और आप किसी भी, आपको मनमोहन सिंह से इकोनॉमिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी देश की इकोनॉमी जानना चाहते हैं तो आप अपने कस्बे के दुकान में चले जाइए और देख लीजिए कि किस तरह की चीजें, कौन कौन सी चीजें वहां पर अवेलेबल है, बिक रही हैं। उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ पर डिमांड क्या है। अगर किसी कस्बे में मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बिक रहे हैं, सर आ रही है आपकी आवाज? सर वी कैन हियर यू। यहाँ जी हेलो हाँ सर आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। मैंने हेलो म्यूट किया है जिससे मेरी तरफ से आवाज ना जाए। सर आपकी आवाज आ रही है पूरी। अच्छा हाँ, तो मैंने वही कहा कि ये इस पर लगातार हमला हो रहा है। ये सब ये भूखे नंगे देशों के ये लोग हैं और प्रतिनिधित्व, उसका ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सिर्फ आपको लूटना चाहते हैं, चाहे वो विदेश की महिला हो, चर्च हो, वो जाने और अपनी आस्था को, सनातन आस्था को और सुदृढ़ बनाए और अपना कायम रखे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। और मैंने आप जब बात कर रहे थे, मैंने स्क्रीन पर कुछ एक चीजें सटली शेयर करने की कोशिश की, जैसे मेधा पाटकर हो गई, राहुल गांधी का साउथ में जाना और मेधा पाटकर से उनसे मिलना, क्रिश्चियन मिशनरीज का एक्टिव होना, लिट्टे का वापस बात ये चल रही है कि लिट्टे को वापस एक्टिवेट किया जा रहा है। दे आर ट्राइंग हार्ड स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान के लिट्टे को एक्टिवेट करें। विक्टोरिया नहीं नूलेंड का है अलाउड पे कि मैंने नोट किया था। जी सर हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया कि आप देखिए कि ये राजीव गांधी की जो किलर्स जो थे, ये नलिनी, आपने चर्च का इसमें रोल देखा? इसमें वो ऐसे तो लग रहा था, उसमें इसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये डीएम के कि अगर अगर ये नहीं, इसको छोड़ा गया तो इनकी नानी मर जाएगी। विदेशी महिला का भी यही है था कि भाई इसको अगर नहीं छोड़ा गया तो पता नहीं ये क्या कहर हो जाएगा, क्या कुछ बोल देगी ये जाके बाहर में। और सभी जगह पे हमारे और भी जुडिशियरी में भी ऐसे ही कुछ देखा गया। तो ये बेचैनी क्यों, ये बेचैनी क्यों, ये बेचैनी बेअंत सिंह के किलर्स के लिए क्यों नहीं हुआ? तो राजीव गांधी की हत्या में चर्च का एक बहुत बड़ा रोल था, एक बहुत बड़ा रोल था। और इसीलिए इसीलिए ये लोग वहां पे, आप साहब, एक आपने फिर गोडसे को क्यों फांसी दी थी? गोडसे ने गलती की, उसको आपने फांसी दी कानून के अनुसार, बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन उसने तो प्लीड गिल्टी किया था। लेकिन यहां पर तो इस महिला के में कोई कोई ये जो नलिनी थी, इसको कोई दुख दर्द नहीं था। उसने भारत के राजीव गांधी को नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, मैं चेन्नई में पोस्टेड था, उसको आपने
धज्जियां उड़ा दी बम से उनका, ही वॉज ब्लोन इन टू स्मिदरिंस। तो उसको क्यों आपने छोड़ छोड़ दिया गया? सर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये आना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस इज टोटली म्यूट, एकदम मुंह पे फेविकॉल चिपका कर बैठे हुए। और जो पैनी वेलन है, जो इसका मास्टरमाइंड था सर, वो डीएमके और क्रिश्चियन फंडेड जो इंस्टीट्यूट है इस वक्त तमिलनाडु में, अभी एक जर्नलिस्ट का कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाकर वो भाषण दे रहा है, वो क्या पढ़ाएगा सर? He did not kill Rajiv Gandhi, Gandhi family. He killed the Prime Minister of India. मैं वही बात कह रहा हूं कि उसके छोड़ने के पीछे आप समझ जाइए कि किन किन तत्वों का हाथ था। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं ना, आप किसी दिन हर 2 दिन के बाद एक खबर आती है कि परिवार के ही, आज भी एक खबर है कि एक अपने बेटे ने अपने बाप को मार दिया। कुछ दिन पहले यहाँ पे जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक लड़के ने अपने, तो ये केवल ये हर स्तर पे ये लागू होता है मैडम, ये हर स्तर पे लागू होता है, ये हर स्तर पे लागू होता है। जी सर, मैं एक चीज आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी, मैंने व्यूअर्स के क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है जितना मैंने आपसे कमिट कराया था। नहीं, आप पूछिए, आप व्यूअर्स का भी लीजिए आप क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सर आप लीजिए। आपको लगता है लिट्टी को सीआईए एक्टिवेट कर रही है या कोई और एजेंसी है? बिकॉज इस वक्त लिट्टी की एक्टिवेशन की मैं पिछले एक साल से बोल रही थी, जब से राहुल गांधी ने तमिलनाडु जाना शुरू किया, प्रियंका गांधी, कांग्रेस, पूरा तमिलनाडु में लगा, मैं तकरीबन 1.5 साल से ये बोल रही हूँ, जब से वो जाके वहां पे बिरयानी बनाने की उनकी फोटोग्राफ्स आई, दैट लिट्टी इज बीइंग एक्टिवेटेड इन वन ऑफ द अदर फॉर्म। तो इज इट सीआईए और सम अदर एजेंसी? नहीं देखिए, मैं जब ये राजीव गांधी जब मिनम्बक्कम एयरपोर्ट पे उस दिन, दैट फेटफुल डे व्हेन ही लैंडेड, मैं उनको देखा था। मैं, हमारे सीओ थे, हमारा बगल में ही हमारा कैंपस था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का, तो मैं गया था, उनको मैंने देखा था उस दिन। वो हमारे ही के, मतलब हमारे ही एकेडमी के बाजू से वो उस दिन गुजरे भी थे जब श्री परम्बदूर जा रहे थे। और उस समय हालात ये थे कि डीएमके में किसी को कोई ये शक नहीं था, और आज भी किसी के, मुझे, मेरे दिमाग में इतनी भर शक नहीं था कि डीएमके का बहुत बड़ा हाथ था उनके असैसिनेशन पे, डीएमके का और चर्च का। ये विदेशी महिला को भी नहीं था इस बात का, लेकिन इतनी जल्दी क्लीन चिट देना और उसको इस तरह से जो इनका रवैया रहा है वो बहुत बहुत संदेहपूर्ण रहा है, ठीक है ना, राजीव गांधी की किलिंग को लेके। बाकी मैं अभी, कुछ और तथ्य हैं मेरे जो कि शायद मेरे साथ वो शायद वो शमशान घाट पे ही जाएंगे, ठीक है ना, वो तथ्य लेकिन है, लेकिन जो मेरी बातों से आपको काफी कुछ महसूस हो रहा होगा। लेकिन एक बात मैं और आपको कहता हूं कि जो लोग भी उनके उनके असैसिनेशन में शामिल थे, जो ताकतें जो थी, वो सब के सब बहुत बड़े मंत्री बने रहे बाद में भी। इतना आप मुझसे हिंट ले लीजिए आप, ठीक है ना, वो सब के सब बने रहे। तो मुझे तो कभी कोई, अभी स्टालिन के वो परिवार के किसी ने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, शायद उसके बेटे ने, किसी ने अभी एक कहीं पे एक वक्तव्य दिया है कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो ये सारा का सारा वो ये गेम जो है, ये अरुणाचल में कोई एक मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था पहले कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि पोप से फोन आ गया विदेशी महिला को कि इसको हटाइए, ये धर्मांतरण नहीं होने दे रहा है। तो जो एक जो तिरप सेक्टर जो है अरुणाचल में, वहां 7 नागा क्रिश्चियन एमएलए, उसको कह के इस विदेशी महिला ने सरकार को उलटवा दिया। तो इसने एक महिला को राष्ट्रपति इसलिए बना दिया क्योंकि उसने राजस्थान का एंटी कन्वर्जन बिल रोक के रखा हुआ था, ये भी आप चेक कर लीजिए।
तो ये जितने ये पोप और उसकी जो क्या बोले, मतलब इट्स अ बिग क्रिमिनल एंटरप्राइज, इट्स अ बिग क्रिमिनल एंटरप्राइज। जी जी सर, एक हमारे रेगुलर व्यूअर है नवीन अवस्थी जी, उनका क्वेश्चन है, सर वी हैव सीन पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स, इवन पीपल एसोसिएटेड विद फोर्सेस इंटेलिजेंस ओपनली टेक डूबियस एंटी नेशनल पोजीशंस, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क टू कर्ब दिस? नहीं, आई टोटली एग्री विथ हिम कि हमारे मशीनरी में, गवर्नमेंट मशीनरी में बहुत ऐसे तत्व हैं। कोई चर्च का आदमी है, चर्च से रिलेटेड है, पोप को मानने वाला है, उसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज है। कोई जिहादी विचारधारा का है, उसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज है। हो सकता है वो कर्मठ भी हो अपने काम में, क्योंकि हाँ, उसने उसने प्रमोशन भी चाहिए ना, उसको प्रमोशन भी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हमारे यहाँ भरे पड़े। ये तो अभी मैं देख रहा हूं कि लोगों में जो सनातनी लोग हैं उनमें कुछ आत्मविश्वास जाग रहा है, जो भी कारण हो। एक तो कारण सोशल मीडिया है, और शायद सोशल मीडिया बना ही हमारे लिए है, क्योंकि सच हमारे साथ है। वही सच तो इनको परेशान कर रही है। अब वो अंग्रेजी जी वाली जो दुकानें हैं, अंग्रेजी वाली दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं धीरे धीरे। अब वो उसका उतना महत्व नहीं रह गया है। अंग्रेजी की दुकान तो ऐसी चली मैडम कि बॉलीवुड में फिल्म फेयर अवार्ड में, हिंदी बॉलीवुड इज अबाउट हिंदी सिनेमा ना, वो ऑस्कर की तरह कपड़े पहनना, ऐसे हाथ उठा के थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। अभी तेरा बाप वहां था ऑस्कर में? जी सर, बिल्कुल किसको कॉपी कर रहा है? एग्जैक्टली और एक्सेंट वो कहीं किसी और स्टेट वाली, थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम बोल रहे हो किसी का, आई डोंट वांट टू अदरवाइज, वो सर, किसी अभी अब पर्टिकुलर सर स्टेट आप थोड़ा वाली। बिजी रह गए, थैंक यू मॉम नहीं होता है अब आजकल, थैंक यू मम हो गया और थैंक यू पॉप्स हो गया है, पैप्स हो गया। हाँ, जस्ट इमेजिन दिस, ये मैट्रिक फेल, ये है। अरे पिता माता को याद करोगे यार, अपने भाषा में याद करोगे तो ज्यादा शायद आशीर्वाद देंगे क्या? थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम लगा रखा है, ये तो गुलामी है। सर लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, नवीन अवस्थी जी गई है, वी हैव हमने PFI के ऊपर जिस तरीके से क्रैकडाउन किया था, क्या उस तरीके का क्रैकडाउन पॉसिबल है इन चर्च और NGOs के ऊपर? आर वी डूइंग एनीथिंग टू स्क्रीन सच ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग अप बेस इन इंडिया? देखो चर्च का क्या है ना कि इन द इंटरनेशनल ऑर्डर द वेस्ट हैज अ प्री, मतलब टिल नाउ इट हैज अ प्री एमिनेंट प्लेस, यू नो, उसका ये लोग खूब फायदा उठाया है इन्होंने। तो चर्च चर्च जो है उसको एक 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 वेस्टर्न एंटरप्राइज के रूप में देखा जा रहा है। सो दे हैव गॉट अवे विथ, हालांकि क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, इफ यू आस्क मी, इज रियली डेड, इट इज डेड। और इसलिए इट इज डेड बिकॉज द बाइबल हैड नो आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस। अब इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और चीज मैं आपको कहता हूं कि ये बताओ कि द बाइबल सेज कि द अर्थ इज फ्लैट, एक अर्थ ऑफ फ्लैट सोसाइटी भी है। बाय द वे आई हैव अ फ्रेंड हु टेल्स मी देयर इज अ पायलट हु फ्लाइज विद हिम अमेरिकन, ही स्टिल बिलीव्स दैट द अर्थ इज फ्लैट। द कुरान सेज दैट द अर्थ इज फ्लैट। और फिर आपने आपने कहा है कि, और हम तो मानते हैं कि हमको तो भाई वो पंचांग में जो लिखा हुआ है, पूछ लो पंडित जी से, बता देंगे आपको अगला सोलर इक्लिप्स कब होगा, सब कैलकुलेशन करके। तो आप जब ये कहते हो कि उनका आप कहते कि सारे मजहब बराबर है, अरे यार क्यों हमको गाली दे रहे हो इस तरीके से? आप सत्य को का असत्य से तुलना करके आप कहते हो सब कुछ बराबर है। और आप, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का, एक एक क्रिश्चियन जज का मैंने ये भी देखा कि
कि हाँ इनका हक है अपने 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 फेथ को प्रोपगेट करने का। आप ये बताओ कि आप विज्ञान वैज्ञानिक लोगों के बीच में अवैज्ञानिक बातें फैलाने का आप उनको अधिकार देते हो, तो इसका मतलब कि तो हमारा संविधान बिल्कुल अवैज्ञानिक हुआ ना। हाउ कैन ए क्रिश्चियन मिशनरी से दैट द अर्थ इज फ्लैट एंड आई यू नो यू आर रॉन्ग। ये तो बाकी सब कुछ बोलते हैं। अभी एक जजमेंट आया कि यू नो हेट स्पीच पर पुलिस शुड टेक एक्शन यू नो ये। अरे भाई अगर हेट स्पीच पर जज साहब अगर एक्शन होने लगे ना तो सारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, सारे चर्च बंद हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट अटर एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर हेट अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी। सो टू दैट सर, सुशांत सिंह को लेके हमेशा एक वो रहता है, कल भी एक गवाह का है, क्या वो गवर्नमेंट के स्पाई थे जिसकी वजह से उन्हें मारा गया? सॉरी आई रियली आई कांट कमेंट ऑन इट, बट हिज 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 मर्डर ही वाज मर्डर्ड एज अ लेमैन आई एम टेलिंग यू दैट ही वाज मर्डर्ड। जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एकदम इनलाइटनिंग था, बहुत सारे ऐसे एंगल्स निकल कर आए जो जिस पे हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। येस बिफोर आई फॉरगेट, सर की एक बुक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, इस मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ और मैं ना इसका जो अमेजोन लिंक है वो मैं उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नो द एंटी नेशनल्स इसका रिवाइज्ड एडिशन आया हुआ है, प्लीज़ वो लीजिएगा, उसमें सर ने काफ़ी अपडेट्स किए हुए हैं, एंड प्लीज़ गो थ्रू इट। और जो सर का जो आर्टिकल है सर जिसका रेफरेंस दे रहे थे, दो तीन बार सर ने उसका रेफरेंस दिया है, दैट इज़ उसका मैंने लिंक जो है इसी लाइव चैट में डाला हुआ है जहाँ पर लोग बात करें, पिन कर दिए, सो दैट आप लोग उसको जाके पढ़ सकें। Actually, it's full of lot of facts, figures and details. मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगा नहीं पाई because it was not possible to accommodate everything in one show. But उसमें बहुत ज़्यादा है. It is really full of lot of facts and figures. So please go and read both these things. आपको बहुत enlightening stuff मिलेगा. Sir, इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you so much. Thank you.